नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टॉपर्स नोट्स के बीपीएससी के बिहार लोक सेवा आयोग के जीएस पेपर 2 भाग ए के बिहार का भूगोल अर्थव्यवस्था और राजनीति के बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि टॉपर्स नोट्स का ये बीपीएससी का कंप्लीट सेट आता है जिसमें आपको टोटल 11 बुक देखने को मिलेंगे, जिसमें जीएस पेपर भाग एक में 4 बुक है, जीएस पेपर भाग 2 में 6 बुक है और एक आपको हिंदी का सामान्य हिंदी का एक अलग से बुक देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस का ये कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पे शुरुआत में लिखा हुआ है दोस्तों सभी बुक में प्रीलिम्स और मेंस को कवर किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से और ये कंप्लीट पैकेज आपको टोटल 11 बुक का मिलेगा जिसको आप 3200 रुपये में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, सीओडी भी ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन सभी बुक का आपको पीडीएफ सैंपल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर ऑफिशियल वेबसाइट का मैंने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, दोनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल हम बात करते हैं बीपीएससी के जीएस पेपर 2 भाग ए के बिहार का भूगोल अर्थव्यवस्था और राजनीति के इस नोट्स का दोस्तों हम बात करते हैं। ठीक है, तो इस नोट्स में आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, तो ये टॉपर नोट्स है दोस्तों जो कि बीपीएससी के जो टॉपर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट टीचर हैं, उनके द्वारा इस नोट्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये सामान्य अध्ययन पेपर 2 भाग एक का नोट्स है बिहार का भूगोल अर्थव्यवस्था और राजनीति का। सबसे पहले दोस्तों हम देख ले विषय सूची को देखते हैं, तो विषय सूची में सबसे पहले बिहार का भूगोल आपको देखने को मिलेगा जिसमें बिहार एक नज़र में, उसके बाद बिहार की भौतिक भौगोलिक संरचना, ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद बिहार की जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन, कृषि और उसके बाद बिहार की जनगणना, उसके बाद दोस्तों बिहार की अर्थव्यवस्था अवलोकन, कृषि और संबंधित क्षेत्र, उद्योग, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, श्रम रोजगार कौशल, बुनियादी ढांचा और संचार, उसके बाद विद्युत क्षेत्र, स्थागतन संरचना, उसके बाद बैंकिंग और संबंधित क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी विकास, मानव विकास, उसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधान परिषद, पंचायती राज, और ये बिहार राजव्यवस्था है। ठीक है ना, सभी बिहार का आपको देखने को मिलेगा, बिहार की अर्थव्यवस्था हो गया। ठीक है, अर्थव्यवस्था, भूगोल और राजव्यवस्था तीनों को कवर किया गया है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे, राज्य विधानमंडल, पंचायती राज, नगर पालिका, बिहार उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और बिहार राज्य निकाय। ठीक है, टोटल 210 पेज आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ पेज मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 213 पेज। ठीक है, इस बुक का जो कंटेंट है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। ठीक है, और आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ आपको बताया गया है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पहला चैप्टर है दोस्तों बिहार एक नज़र में, जहाँ पे बिहार के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दोस्तों देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले बिहार की बेसिक जानकारी को कवर किया गया, बिहार का आकार हो गया मैप के थ्रू कवर किया गया, जगह जगह आपको मैप देख दोस्तों देखने को मिल जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप दोस्तों देख सकते हैं, टेबल में भी कवर किया गया है और बहुत ही परफेक्ट स्टडी मटेरियल आपके सामने है ये। ठीक है ना, अगला चैप्टर है दोस्तों बिहार का भौगोलिक संरचना, जिसमें बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है, मैप के माध्यम से समझाया हुआ है कि कैसा भौगोलिक संरचना है बिहार का। इंपॉर्टेंट टेबल आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा और हर एक जानकारी आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में टू द पॉइंट आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेहतरीन तरीके से इनके नोट्स से तैयार कर सकते हैं और आपको कोई अलग से बुक नहीं चाहिए। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया है। ठीक है, आपको अलग से एनसीईआरटी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद अगला एक्सरसाइज है दोस्तों अपवाह प्रणाली। अपवाह प्रणाली के लिए मैप का जरूरत होता है, तो मैप को दोस्तों देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इस बुक के अंदर सम्मिलित किया हुआ है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस तरह से टेबल में आपको दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बिहार की नदियाँ हो गई, उनके बारे में विशेषता हो गया, जो भी विशेषता है उसको कवर किया गया है। बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप दोस्तों यहाँ देखेंगे आगे नदियों को आपस में जोड़ना, सारा कुछ जानकारी आपको मैप के थ्रू और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेबल आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, मिट्टी के बारे में जानकारी माइंड मैप के थ्रू समझाया गया है। बहुत अच्छे तरीके से आपको इस नोट्स में बिहार के बारे में जानकारी कवर किया गया है। यहाँ पे आपको ये पाई चार्ट देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। इंपॉर्टेंट टेबल आपको देखने को मिलेगा प्राकृतिक संसाधन संसाधन का। यहाँ दोस्तों देखिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको इस तरह से टेबल में हाईलाइट करके बताया गया है, ठीक है। काफ़ी कुछ आपको इस दोस्त इस नोट्स में देखने को मिलने वाला है। बिहार की अर्थव्यवस्था अवलोकन काफ़ी कुछ आपको मतलब कवर किया गया है इस नोट्स के अंदर। टू द पॉइंट ये दोस्तों नोट्स है। फोकस स्टडी मटेरियल आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। इस बुक को देखने के बाद इस बुक को आपको स्टडी करने के बाद और कोई बुक को आपको नहीं देखना होगा। बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, इनको आप कवर कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो इनको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह परचेज कर सकते हैं। बुक के शुरुआत में आपको QR कोड आपको देखने को मिलेगा जिसे आप स्कैन करके आप इसके वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं इनके एप्लीकेशन पे जाने के बाद। और इनके एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आपको इस एग्ज़ाम के बारे में मॉक टेस्ट या इंपॉर्टेंट जानकारी भी वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इस बुक को परचेज कीजिए, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ दोस्तों देखिए QR कोड आपको देखने को मिलेगा, टॉपिक है रिलेटेड, इसको आप स्कैन कीजिएगा तो इस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा जिससे आप आसानी से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। हालांकि इस बुक का जो भी लैंग्वेज है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। टू द पॉइंट जानकारी आपको इस बुक के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।